चलिए आज बनाते हैं सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी लोबिया मसाला करी। लोबिया सबकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। और इतना थिक ग्रेवी वाला लोबिया मैंने कैसे बनाया है उसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी, बट अभी नहीं, रेसिपी बनाते बनाते बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हमें लोबिया को सोक करना बहुत जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे रात को ही सोक कर लिया था क्योंकि मुझे सुबह बनाने थे। वैसे लोबिया को सोक करने के लिए 4-5 घंटे इनफ है, या फिर मेरी तरह ओवरनाइट सोक कर दीजिए। इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल दीजिए और अपनी हेल्थ अनुसार नमक ऐड करें। अब कुकर को कवर करके मध्यम आंच पे 6-7 सीटी आने तक पका लेना है। अब 7 सीटी के बाद प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद चेक करते हैं। लोबिया एकदम परफेक्ट कुक हो चुका है, तो अब ग्रेवी बनाने के लिए एक ब्लेंडिंग जार में लेना है 2 प्याज रफली चॉप करके लेना है, और 2 टमाटर उसे भी रफली चॉप कर लेना है। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए, टमाटर प्याज की प्योरी भी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब बारी है सब्जी बनाने की। एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करना है। तेल गरम हो जाए उसके बाद ऐड करेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग और टमाटर प्याज की प्योरी। अब सभी चीजों को मिक्स करते हुए थोड़ी देर पका लेना है। थोड़ी देर बाद कवर करके 3-4 मिनट तक ग्रेवी को पका लेना है, या फिर ग्रेवी में से थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक पका लेना है। 4 मिनट के बाद देखते हैं, ग्रेवी हमारी थोड़ी सी कुक हो चुकी है। ज्यादा तेल मैंने डाला नहीं है तो ज्यादा तेल सेपरेट नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे हम अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और बाद में इसे थोड़ा और पकाएंगे। तो करी को थिकनेस देने के लिए और ग्रेवी में मॉइस्चर ना रहे उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 चम्मच जितना बेसन। बेसन मेरा पसंदीदा इंग्रेडिएंट है। बेसन ऐड करने से क्या होगा, करी में थिकनेस तो आएगी ही और करी का स्वाद इनहेंस हो जाएगा, तो इसे बिल्कुल स्किप ना करें। अब बारी है कुछ मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड किया है, उसके बाद 2 हरी मिर्च ऐड की है, आप चाहें तो इसे काट के भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अच्छा लाल कलर देने के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अंत में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने लोबिया को प्रेशर कुक करते हुए भी नमक ऐड किया है। अब इन सभी चीजों को लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट तक पका लेना है। कंटिन्यू चलाते रहना है और 2-3 मिनट तक मसाले और ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है। अब फाइनली ऐड करेंगे प्रेशर कुक किया हुआ लोबिया, पानी के साथ ही ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से पानी कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा और पानी ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब कवर करके 10 मिनट तक इसे सिमर होने देना है। बीच बीच में चेक करते रहना है सब्जी तले पे चिपके नहीं, उस बात का ध्यान रखिए। तो धीमी आंच पे 10 मिनट तक सब्जी को सिमर होने देना है। तो अब 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ और चीजें मैं ऐड करूंगी हमेशा की तरह। सबसे पहले ऐड करना है थोड़ा सा पिंच ऑफ गरम मसाला। गरम मसाला ऑप्शनल है, इसे आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और अंत में अपनी पसंद अनुसार थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दीजिए। लास्ट में मैंने एक और चीज ऐड की है, होममेड बटर। 1 चम्मच जितना होममेड बटर ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दीजिए, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिए, या फिर बटर की जगह पे 1 चम्मच जितना घी ऐड कर दीजिए। तो फाइनली हमारी सब्जी एकदम कम्प्लीटली बन चुकी है। देखते ही खाने का मन हो जाए ऐसी हमारी सब्जी बनी है। तो आप भी अपने घर पे लोबिया की सब्जी जरूर बनाइए। अब बारी है इसे सर्व करने की। जैसा कि मैंने आगे कहा, लोबिया बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप अपने घर पे लोबिया की सब्जी जरूर बनाइए। मैंने यहाँ पे रोटी के साथ सर्व किया है, आप इसे रोटी, पराठा, नान या राइस के साथ खा सकते हैं। तो आप भी अपने घर पे लोबिया मसाला करी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।